राधे राधे सभी भाइयों को। भाई मेरे ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पवन ब्रजवासी। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं GYC में, आप देख सकते हो ये है GYC गौरी यमुना सिटी का मार्केट है। तो भाई आज हम शाम को वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो कल भी हम यहां पे आए थे तो हमने वहां पे बर्गर खाए थे, तो आज फिर से एक भैया पार्टी दे रहे हैं। तो आज हम आए हैं द रत्ती चाय, आप ऊपर देख रहे हो द रत्ती चाय, तो यहाँ पे चाय पीने आए हैं और सभी लोग इसके अंदर हैं, आप देख सकते हो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो चलो चलते हैं, सबसे बात करते हैं। इस दुकान का नाम है ठरकी चाय। तो अभी मैंने बोला था द रत्ती नहीं है, ये ठरकी चाय है। तो अंदर हम जाएंगे, भैया से पूछेंगे। हाँ भैया ये बताओ आप में से पार्टी कौन दे रहा है, पहले ये बताओ। विशाल भाई, हाँ विशाल भाई, हाँ विशाल भाई आप इधर हो, कल तो आपने पेमेंट नहीं किया था है। बताओ आज दे रहे हो, भैया चुलबुल पांडे दे रहे हैं। देख लो भैया ये बन रही है आपकी, ये रेत में चाय तंदूरी चाय, आप देख सकते ये रजवाड़ा चाय कह सकते हो, तंदूरी चाय। भैया इसमें कितनी देर में पक जाती है चाय? 5 मिनट। भैया इस चाय को पकने में इसमें कम से कम 5 मिनट लगते हैं। इसमें क्या क्या डाला भैया? क्या बिना हवा का दूध है? नहीं, किसका दूध है इसमें? बिना हवा का दूध है। हवा का नहीं, विदाउट हवा। अच्छा, और इसमें। अच्छा भैया ये चाय का रेट कितना है आपके यहाँ पे? है 30 रुपए। भाई आप अगर ये तंदूरी चाय पीना चाहते तो यहाँ चाय दुकान के असली मालिक आप हो भैया? ये असली मालिक है। अच्छा कोई भी इसे बनाते तो आप इसमें डलता क्या क्या है ये बताइए? दूध है और चीनी नहीं डालते हो? अच्छा अच्छा, ये फीकी चाय है, थोड़ा भी मीठा है कि नहीं है थोड़ा? अच्छा भाई हमने तो फर्स्ट टाइम पियेंगे भाई, हमने ये नहीं पी। अच्छा 10 बजे खोलते सुबह? भाई ये दुकान ठरकी चाय है, बालों की चाय है। 10 बजे खुल जाती है सुबह शाम को, रात तक कितने बजे खुलती है? हैं 1 बजे तक शिफ्ट चेंज होती है और कोई भी आता भैया आपके साथ? अकेला रहते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक? ठीक है, तो छोड़ देगा वीडियो को। हाँ तो भाई हमें तो डिस्काउंट मिलना चाहिए चाय में, हर चाय पे कम से कम 10 रुपए। हाँ भाई जो भी मेरी वीडियो को देख के यहाँ पे आएगा उससे 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा द ठरकी चाय। और भैया ये है हमारे साथ के, ये यहाँ के कोई ओनर नहीं है, ये ओनर है, ये है ठरकी चाय। ठरकी जो आएगा वो तो भाई इस तरह से ये आपकी या रजवाड़ा चाय कह लो या तंदूरी चाय कह लो इस प्रकार बनाई जाती है। भैया इसमें कितने कप बन जाएंगे? 8 कप। हमने पार्टी किया था उसमें कम लोग थे तो आज लोग बढ़ गए हैं थोड़ा। बड़े कौन कौन है हम बता देते हैं। ये भैया तो हमारे साथ कल भी थे, आप अपना नाम बताइए भैया आप फिर से। ये अवाना जी कल भी हमारे साथ थे, ये भैया हमारे जो नए बड़े हैं आज। आपका नाम क्या भैया? ये अमन जी हैं। अमन ठाकुर है पूरा नाम? अच्छा आप तो यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ तो कहाँ के रहने वाले हो आप? आचेपुर। और ये हमारे अंकल जी, ये भी कल नहीं थे आज थे। अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है यतेंद्र सिंह। इनका नाम है यतेंद्र सिंह। हाँ ये सर्विस में आर्मी में हो ना आप अंकल जी? हाँ। अंकल जी आर्मी में है। और ये हमारे भैया आज बड़े नए, आपका क्या नाम है भैया? और भाई आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये जाने माने पहचाने, आपका साथी इनके लिए तो आपको पता है आज नहीं बोलेंगे भाई। जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई प्यासा डोलता है ना पानी के लिए, ऐसे ये डोल रहे हैं बहू के लिए, गली गली घाट घाट अभी इनकी लगी पड़ी है बाट, तो भाई इनके लिए ढूंढिए अच्छी से। और ये सभी भैया हमारे साथ कल भी थे, ये चारों भैया हमारे साथ कल भी थे, ये अपने ब्रजवासी हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चुलबुल पांडे हो कोई है अपने भैया ही ब्रजवासी सभी, और ये सभी कल थे। तो भैया आप आज कुछ बोलना चाहोगे इनके बारे में? 2 शब्द बोलिए इनके बारे में। भाई बहुत अच्छा लड़का है, लंबाई 6 फुट है, अच्छा लड़का है, इसको कोई नहीं है। अच्छा अंकल जी आप? हाँ अच्छा लड़का है। अच्छा हाँ हाँ, आप बताइए इनके बारे में 2 शब्द बोलिए। क्या नहीं जानना चाहते इनके बारे में आप? तो ये बताइए इनका नेचर कैसा है? नेचर? हाँ नेचर ही तो है नहीं और जिस चीज़ यार। तो देखो भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, आप ही बताओ विशाल भाई आप इनके बारे में क्या बोलना चाहते हो? कोई रिश्ता है तो इन पे फोन मत करियो, मतलब ये भाजी मार देंगे, भाजी मार देंगे। और कुछ बोलोगे? चलो ठीक है भैया अभी।
तो विशाल भाई के बारे में अगर कोई कुछ और बोलना चाहता तो बता दीजिए। विशाल भाई तुम बनाने के लिए आओ बिगाड़ने के लिए आओ? हम विशाल भाई के लिए बार बार बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? वैसे आप समझ जाओ, बार बार बोलना चाहते हैं भैया कि नहीं सारी ये बाहर कर रहे हैं। हां ये बाहर कर रहे हैं, हम सब को बयान नहीं कर सकते, इतना बोलना चाहते हैं। आप चाहते हो इनसे, इनके दिल से चाहते हो शादी हो जाए या बांधी मार रहे हो? ये शादी तो करना ही नहीं चाहता ना है, इसकी ऑलरेडी चार चार शादियां हो रही है, करवा चौथ चार लोगों से चम्मच से हैं 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 चार लड़कियों के साथ बोला था, झूठ बोला था, चार लड़कियों के साथ करवा चौथ मनाई है भाई, एक के साथ तो मैंने भी देखा है शादी को, झूठ माची मारने लगे अच्छा ये बताओ आप सभी हम सबको लाए हो तो पार्टी तुम ही दे रहे हो ना, फिर बता दो पक्के? ऐसा नहीं है भैया, देना मेरे जवासी भैया पैसा भाई, जब पेमेंट होगी तो देख लेना किसके किसके थ्रू होगी। हाँ वीडियो बनेगी, वीडियो बनेगी, पेमेंट होगी तब है। ये बताइए आपके आपके पक्ष में कितने लोगों ने बोला है, तो कम से कम एक एक चाय तो पिलानी चाहिए आपको। देखो भाई ये आ चुकी है आपकी तंदूरी चाय, और देखो हमारे ये ब्रजवासी भैया प्यार से परोस रहे हैं, और जो भाई ये है तंदूरी चाय, देखिए कितनी अच्छी है, ठीक है भैया। कॉफी भी बनाते हो क्या आप? और कॉफी का प्राइस क्या है आपके यहाँ पे? 50 रुपए, और तंदूरी चाय 30 रुपए। तो भाई ये ठरकी चाय वाले, यहाँ पे आपको तंदूरी चाय आपको 30 रुपए की मिल जाएगी, और आपको जो कॉफी पीनी है वो मिल जाएगी आपको 50 रुपए पर कप, है ना। और भैया एक्स्ट्रा में कुछ मिलता है खाने पीने को यहाँ पे? क्या 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 मिल जाता है भैया? पास्ता मैगी और मोमोज मेरे, और ये पेटीज भी है, और क्या है चाइनीज भी मिलता है कुछ? चाइनीज नहीं इनके पास, चाइनीज नहीं है, इंडियन सी है, मैगी फैगी मिल जाएगा, ठीक है। चलो भैया हमारी चाय और है मसाला, बोलो ब्लॉग बंद कर दो, ना बोलो बोलो जो बोलना चाह रहे हैं। क्या बोला तूने?